हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, पीएम सेट्स इन मोशन प्रोसेस फॉर मदिगा सब कैटेगराइजेशन। तो ये मदिगा सब कैटेगराइजेशन क्या है, ये हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमें पता होना चाहिए ये चीज़ है क्या। देखिए, डेज अहेड ऑफ द असेंबली इलेक्शन इन तेलंगाना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे सेट इन मोशन द प्रोसेस of setting up a committee that will go into the issue of sub-categorization of the Madiga community within the scheduled caste, a long pending demand. तो scheduled caste के अंदर में ये मदिगा community है, इनको sub-categorization देना है। No details given, अभी तक कोई detail नहीं दी गई है। Government sources said Mr. Modi met the cabinet secretary Rajiv Gauba and other officials for this purpose. No other details was provided on the timeline of the setting up of the committee. At a program organized by the community leader Manda Krishna Madiga on November 11, Mr. Modi promised that his government was committed to providing sub-categorization to the Madigas. From today, Manda Krishna, founder of Madiga Reservation Porata Samiti, is my leader in the movement to end the decade of injustice being done to the community. I will be on his side till you all get justice. तो ये मिस्टर मोदी भाई, वोट बैंक इलेक्शन आ रहा है, समझ रहे हो। तो इस कम्युनिटी का वोट चाहिए इनको। द मदिगा कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल शेड्यूल कास्ट इन तेलंगाना। इन 2011 सेंसस पुट्स द टोटल एससीज at a little over 15% of the population of the state. For year, the Madiga community has said that the benefits of reservation under the SC category have been cornered by the Mala community, with the Madiga being left out. तो मदिगा बच गए हैं, माला को मिल रहा है। Struggle since 1994. The Madigas have been struggling since 1994 for sub-categorization, and Mr. Modi's announcement was considered an important step. BJP sources had told The Hindu the party was completely in favor of the move as it would help consolidate the support of three M's, Madiga, Mudiraju and Munnur Kapu community in the run-up of 2024 Lok Sabha poll, if not assembly election. तो चलिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख ले ये क्या चल रहा है। वोट बैंक है, ये तो हमें समझ में आ रहा है, पर एक तो मदिगा इंपॉर्टेंट हो गया, मदिगा, मुदीराजू इंपॉर्टेंट हो गया, और एक मुन्नूर कापू, इंपॉर्टेंट हो गया। ये तीन कम्युनिटीज को ये लोग लेके चल रहे तेलंगाना का, ठीक है। हमें पता होना चाहिए सब कैटेगराइजेशन क्या होता है। मदिगा जो है ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट का एक पार्ट है, और मदिगा वर्सेस माला हो रहा है। और वैसे हम लोग देखें मदिगा वर्सेस माला कम्युनिटी के बीच में ऑलरेडी हो रहा है कि सारे बेनिफिट्स ये लोग ले जा रहे हैं, इनको कुछ मिल नहीं रहा है। तो यही चीज़ हो रही है यहाँ पर। और ठीक है, मदिगा रिजर्वेशन पोरोता समिति, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे मदिगा आएगा वो तो हो जाएगा। लॉन्ग पेंडिंग इशू है, हमने देख लिया। बस इसमें इतनी ही चीज़ें पता होनी चाहिए हमें। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड। अब देखो, जैसे अब इलेक्शन आ गया, ये लोग भी मेहनत करने लगे, वोट बैंक इकट्ठा करने लगे। तो आप लोग भी अपने कंसेप्ट क्लियर रखिए, एग्ज़ाम आ रहे हैं सारे के सारे अभी, तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए। थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।